जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? हरियाणा जितना पानी दिल्ली का बनता है उससे ज्यादा दे रहा है। हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। 719 क्यूसिक के अगेंस्ट हम 1049 क्यूसिक पानी उनको दे रहे हैं। हरियाणा की इस मनमानी की वजह से देश की राजधानी को पानी के संकट में नहीं डाला जा सकता है। आरोप तो कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, और विशेषकर जब चुनाव का टाइम होता है तो मुद्दों को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जाती है। जो यमुना का पानी आता है इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तराही तराही मच रही है। काफी एरियाज में वाटर शॉर्टेज है, क्या किया जा रहा है उसको बैलेंस आउट करने के लिए? देखिए, वाटर शॉर्टेज का कारण ही यही है कि मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे वजीराबाद पौंड से जो यमुना का पानी है ये दिल्ली के तीन बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को फीड करता है, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अगर हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रही है, और आप प्लीज एक बार जरूर देखिएगा कि पानी का स्तर जो टेबल है उस पर कितना है, तो अगर पानी ही नहीं आएगा, अगर रॉ वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा तो पानी की प्रोडक्शन कैसे होगी? तो इसलिए हम हरियाणा सरकार को आज फिर से लिखेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखेंगे, हरियाणा की इस मनमानी की वजह से देश की राजधानी को पानी के संकट में नहीं डाला जा सकता है। हरियाणा जितना पानी दिल्ली का बनता है उससे ज्यादा दे रहा है। मैंने एक दो दिन पहले भी क्लेरिफाई किया था, 719 क्यूसिक के अगेंस्ट हम 1049 क्यूसिक पानी उनको दे रहे हैं। तो जहां तक पानी देने की बात है उसमें कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार पिटीशन फाइल किया है, उसमें वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो करें, हम उनका जवाब देंगे, लेकिन हरियाणा की तरफ से कोई किसी तरह की रिडक्शन नहीं है। इस तरह लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव भी था, इस आरोपों को किस तरह देखते हैं? देखिए, आरोप तो कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, और विशेषकर जब चुनाव का टाइम होता है तो मुद्दों को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हरियाणा किसी तरह की पॉलिटिक्स इसमें नहीं कर रहा पानी पे। हरियाणा की क्या स्थिति है सर पानी को लेकर? देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, इफेक्ट है कि हरियाणा को भी जितने पानी की जरूरत है उससे उतना पानी नहीं है हरियाणा के पास। हम अपने अवेलेबल जो पानी है उसमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, तो मेरी सलाह है दिल्ली गवर्नमेंट को भी अपना जो उनके पास पानी जितना अवेलेबल है उसकी मैनेजमेंट थोड़ा सा उनको ठीक करें, और जो पानी है उसका सही सदुपयोग करें, वेस्टेज जो है पानी की उसको थोड़ा सा कम करें। बाकी यूँ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता।